माँ क्या कह रही, ताऊ जो पूछ दे, बड़ुआ जो पूछ दे, वो मट किया माखण किसने लगाया। आओ बोलना भाव से, वो मट किया माखण किसने लगाया, वो मट किया माखण किसने लगाया। बाबा, ये ठाकुर जी की लीलाओं का भाव है। और इन लीलाओं का रसवादन अगर जीव भाव के साथ लेना चाहे तो प्रथम मन को कृष्णा के साथ जोड़ना ही पड़ता है।
आप निरंकार की पूजा करो चाहे साकार की, इस मन को ही जोड़ना पड़ेगा, तभी जन कल्याण हो सकता है, इस आत्म कल्याण हो सकता है। दृष्ट्वा दूरे परिश्रम कृष्ण कृष्णाया स्वबंधने। आज प्रेक्षक ने भाव के साथ कहा कि मैं और भी लीलाओं के बारे में जानना चाहता हूँ। गुरुदेव बताइएगा ठाकुर जी की और कौन सी लीलाएं हुई। बोले आज मेरे ठाकुर जी ऐसा एक भाव प्रकट करते हैं कि जीवन के अंदर जब माताएं गोपांगनाएं बार बार कहती हैं कि हमारे घर में भी मटकी को तोड़ दियो, हमारे घर में भी तोड़ दियो, था आज छोड़ दिया। कृष्णा ने जाना कहाँ पर, उन सखन गवाल वालों के साथ, जब कई दिनों तक प्रभु जी के दर्शन नहीं हुए ना। तो माताओं आज एक मैया जो उच्च कोटि की विरक्त संत के रूप का भाव है, वो सामने आई, रुक ना पाई, तो कहती है यशोदा मेरे घर में कल बड़ा यज्ञ रखा हुआ है, और मेरे घर में जो यज्ञ रखा है तो उलेपन करने के लिए गोबर समाप्त हो गया है। अब थोड़ा सा गोबर चाहिए। तो इतने में कनुआ भाव से कहते हैं मैया ये रोज मेरी शिकायत करती है और तू इन्हें गोबर दे रही है। और इतने में ठाकुर जी भाव के साथ उस देवड़ी के साथ खड़े हो गए। तो इतने में कहते सुन भाभी माँ, यहाँ से जितना भी गोबर उठा करके लेके जाओगे हिसाब करना पड़ेगा कितना चाहिए। बोले 10, ज्यादा नहीं 10 टोकरी लेके जाऊंगी।